दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है। ये कहानी है मनुष्य की कीमत क्या है। जी हाँ दोस्तों, जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप लोग बने रहे तो चलते सीधा शुरू करते हैं। मनुष्य की कीमत। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है। पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक ने क्या बोला, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण है। पिताजी ने क्या कहा, हाँ बेटे। बालक कुछ समझा नहीं, उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है, किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज्यादा क्यों होती है। सवाल सुनकर पिता कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी। बालक ने कहा, 200 रुपए। पिताजी ने क्या बोले, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी। उसके बाद बालक कुछ देर सोच कर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी ने क्या कहा, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो। बालक कुछ देर गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उससे समझते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि अपने आप को क्या बन सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी प्रेजेंट स्टेटस को देखकर अपने आप को वैल्यूएशन समझने लगते हैं, लेकिन हम में हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती है, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब है हम बहुत स्पेशल है और इम्पोर्टेंट है। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्रदान करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक मनुष्य की कीमत क्या होती है, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के टाइप के माध्यम से जो भी था मैंने आपको बता दिया है। भाई आप अपने समय को ना गवाएं, आप अपने कीमत को समझें। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना है। जय हिंद। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदि हो चुके हैं। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना बड़ी बात है। 1000 रास्ते ना पा लिए, जो मिला है उसे ही संभालिए। हारते तुम नहीं हो, हराती तुम्हारी सोच है। सोच बदलो, भविष्य भी बदलने लगेगा। जिंदगी में कभी भी एक ही सांप आपको 2 बार ना काटे, इसका ध्यान रखना चाहिए। जब मैं अकेले चलने लगा तब मुझे समझ आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। 5 परिस्थितियों में हथियार उठाना श्रेष्ठ है। आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, देश रक्षा, स्त्री रक्षा और गौ रक्षा। नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो, ना इज्जत ना सम्मान ना पैसा ना व्यवहार। ज्यादा हाजी हाजी करने वाले से बचकर रहा करो, ये खतरनाक नहीं बहुत खतरनाक होते हैं। पुरुष रोता नहीं, पर जब रोता है तो रोम रोम से रोता है। उसकी व्यथा पत्थर में भी दरार कर सकती है।